नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है ये एक ऐसा घर है जिसमें आप बहुत देर तक कुछ एक्ट नहीं कर सकते. आई एम ग्लैड कि सही लोगों को फटकार लगी क्योंकि मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ. एक अलग ट्विस्ट लेके आए, लोगों की खटिया खड़ी कर दी उन्होंने पहले ही वीकेंड में. सो आई एम श्योर आगे तो बहुत कुछ होने वाला. मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा, ना मुझे किसी ने समय दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट टी सीरीज से आ रही हूँ. हमारा सॉन्ग लाइक 35 मिलियंस क्रॉस कर गया है, बहुत सुपरहिट चल रहा है बेवफा तेरा मुस्कुराना. तो मैं वहाँ के प्रमोशन खत्म करके यहाँ आई हूँ आप लोगों से मिलने. एंड आई एम सॉरी थोड़ा अगर लेट हो गई हूँ तो, बट तैयार होने में आई थिंक 30 मिनट्स लगाए मैंने सिर्फ. थैंक यू बहुत प्यार मिल रहा है. एंड जुबिन नौटियाल के साथ मेरा फोर्थ सॉन्ग है हिमांश के साथ. एंड बहुत 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 प्यार कर रहे हैं लोग मुझे. मेरा कश्मीरी लुक बहुत सुपर हिट हो गया है, तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैं कश्मीरी मुस्लिम लड़की भी लग पा रही हूँ. एंड कश्मीर को अगर हम थोड़ा सा भी प्रमोट कर पाए तो आई फील ब्लेस. सो थैंक यू सो मच. हमें लगता है कि आपको अवार्ड भी मिल जाएगा. सी, मैं बेस्ट ब्यूटी फेस ऑफ एल्बम सॉन्ग्स के लिए हूँ और मुझे लगता है अवार्ड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये सॉन्ग भी वायरल हो गया है तो आई एम श्योर लोग मेरा फेस काफ़ी पसंद कर रहे हैं सॉन्ग्स में. So finger crossed, hopefully. और आखिर में आप कुछ कहना यार? थैंक यू सो मच मेरे हर रूप में मुझे प्यार करने के लिए, भले वो देवी पार्वती हो, मूवीज हो, या मेरे सॉन्ग में मेरा कश्मीरी लुक हो. और आगे भी ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस साल आपके लिए, बहुत बहुत कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं. बिग बॉस होती थी क्या फॉलो किया है या क्या कहेंगी, किस तरह से आप इस शो को देखते हैं? या ये मैंने फॉलो करना रिसेंटली स्टार्ट किया और मुझे बहुत मजा आ रहा है. स्पेशली मैंने कल करण जौहर का तड़का देखा था और उनके जो वो फ्लेवर्स हैं वो लेके आए, तो आई थिंक इस बार डबल तड़का मिलने वाला है ऑडियंस को, पहले करण जौहर और फिर सलमान खान. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो मेरे फेवरेट है. एंड कुछ एक अलग ट्विस्ट लेके आए हैं, लोगों की खटिया खड़ी कर दी उन्होंने पहले ही वीकेंड में. सो आई एम श्योर आगे तो बहुत कुछ होने वाला है. अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, घर में अभी जिस तरह से बात हुई और उसके बाद पहले ही वीकेंड का वार पर काफी लोगों को फटकार भी लग गई है जी. आपको क्या लगता है क्या ये? सी, यूजुअली मैंने देखा जिन जिन लोगों को फटकार लगती है वो काफी एंड तक जाते हैं, तो आई एम ग्लैड कि सही लोगों को फटकार लगी क्योंकि मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रही हूँ. शमिता की काफी तारीफ की गई, क्या लग रहा है आपको उनका गेम कैसा? जी शमी, मुझे काफी सुलझी हुई लगती हैं वो, बट दिव्या मुझे बहुत पसंद है, प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नेहा इज लाइक क्वाइट इम्प्रेसिव. सो आई होप कि मुझे भी इन लोगों को मिलने का और इन्हें पर्सनली कॉम्प्लीमेंट देने का मौका. अच्छा, प्री प्लान लग रहा है क्या प्रतीक और दिव्या की फाइट? नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है ये एक ऐसा घर है जिसमें आप बहुत देर तक कुछ एक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये प्री प्लान है. बाकी डेफिनेटली सबको पता है कि एक टाइम लिमिट है, 5 ही हफ्ते हैं, तो सब अपना ऑल आउट जा रहे हैं, 100% दे रहे हैं और देना भी चाहिए. आकांक्षा को क्या स्टॉप कर रहा है घर के अंदर जाने से? ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक अब मुझे कुछ स्टॉप कर रहा है एज सच. जब सही वक्त होगा मैं डेफिनेटली जाऊँगी.